हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन ओनली फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाएंगे कि हीन का जोड़ कैसे किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में बेसिक से आप लोगों को बतलाएंगे। सबसे पहले हम बतलाएंगे दो अंकों का हीन का जोड़ कैसे किया जाता है, और दूसरा नंबर में हम बताएंगे कि तीन अंकों का हीन का जोड़ कैसे किया जाता है, और तीसरा नंबर है चार अंकों का हीन कैसे जोड़कर किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दो अंकों का हीन का जोड़ सिखलाते हैं कैसे किया जाता है दो अंकों का हीन का जोड़। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि 1/2 प्लस 5/3। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर, तो 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकला, तो 6 निकला। हम 6 रख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, देखिए 6 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 6 कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कटेगा। तो 3 हम लिख देंगे, और ऊपर कौन सा अंक है, तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए बीच में प्लस है, तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए 6 को 3 से भाग करना है, तो 6 3 से कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कटेगा। और ऊपर कौन सा अंक है, तो 5 है, हम सिंपली 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 में 1 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 होगा। और बीच में क्या है, प्लस है, तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए 2 में 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। और बटे में कितना है, तो बटे में 6 है, तो हम 6 रख लेंगे। अब देखिए 3 10 को जोड़ने पर कितना होगा, तो 3 10 को जोड़ने पर 13 होगा। और बटे में क्या है, तो बटे में 6 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आप दो अंकों का हीन का जोड़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा नंबर जो प्रश्न है, हम इसमें 3 अंकों का हीन का जोड़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस प्रश्न में दिया है कि 3/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें 2 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 4 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम 2 लिख लिए हैं, 4 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। तो देखिए 2 से कटाते हैं सबसे पहले, तो 2 1 बार में कटेगा। और 4 कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। 3 नहीं कटेगा, तो 3 उतर जाएगा। अब देखिए कोई भी अंक नहीं कटने वाला है, तो हम क्या कर देंगे, तो सिंपली गुणा कर देंगे। तो 2 × 1 × 2 × 3। अब देखिए 2 में 1 से गुणा कीजिएगा, तो 2 एकम 2 होगा। और 2 में 2 से गुणा कीजिएगा, तो 2 दूना का 4 होगा। और 4 में 3 से गुणा करने पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकला, तो 12 निकला, तो हम 12 रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए 12 को हमको क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो 12 को 2 से भाग करेंगे, तो 12 6 बार में कट जाएगा, तो 6 हम रख देंगे। अब देखिए ऊपर 3 है, तो 3 से क्या कर देना है, तो गुणा कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्लस है बीच में, तो हम प्लस बीच में रख लेंगे। अब देखिए 12 को फिर हम 4 से भाग करेंगे, तो 12 4 से कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, तो हम 3 रख लेंगे। और ऊपर कौन सा अंक है, तो 1 है, 1 से क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। अब देखिए बीच में क्या है, तो बीच में प्लस का चिन्ह है, हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 12 को हम फिर 3 से कटाएंगे, तो 12 को 3 से जब कटाएंगे, तो 12 3 से कितना बार में कट जाएगा, तो 6 12 कितना बार कट जाएगा, तो 4 बार में कटेगा, तो हम 4 रख लेंगे। और ऊपर कौन सा अंक है, तो 2 है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, 6 में 3 से गुणा करने पर कितना होगा, तो 6 3 18 होगा। प्लस 3 में 1 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 होगा। अब देखिए 4 में 2 से गुणा करने पर कितना होगा, तो 4 दूना का 8 होगा। और बटे में क्या है, तो बटे में फ्रेंड्स 12 है, हम 12 को लिख लेंगे। अब देखिए 18 3 8 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 प्लस 3 और 8 जोड़ने पर कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। और बॉटे में क्या है, तो बॉटे में 12 है। अब देखिए 18 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 8 और 1 कितना होता है तो 9 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और बॉटे में क्या है, तो बॉटे में फ्रेंड्स 12 है, तो हम 12 को रख लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना आया, तो 29/12 इसका राइट आंसर आया। तो इस तरह फ्रेंड्स आप आसान तरीका से 3 अंकों का भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम 4 अंकों का भिन्न करना आपको सिखलाएंगे कि 4 अंकों का भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं 3 नंबर प्रश्न पर। जो 3 नंबर प्रश्न है इसमें दिया है कि 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/2 प्लस 1/2 ये 4 अंकों का भिन्न का जोड़ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, 3, 5, 2 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए 3, 5 और 2 और 2 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे हम कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे। तो 3 नहीं कटेगा तो 3 उतर जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा। तो 2 से 2 एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। तो अब कोई भी अंक कटने वाला नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 1 कर देंगे। अब देखिए 2 से 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 2 में 3 से गुणा करने पर 3 गुणा का 6 आएगा, और 6 में 5 से गुणा करने पर 6, 5, 30 आएगा। अब 30 में 1 से गुणा करने पर 30 ही आएगा, और 30 में 1 से गुणा करने पर 30 ही आएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकला, तो 30 आया। तो हम फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर 30 रख देंगे। अब देखिए इस 30 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो 30 कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। तो हम 10 रख लेंगे। अब देखिए ऊपर कौन सा अंक है, तो 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। और बीच में क्या है, तो प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 5 से 30 को कटाना है, मतलब 30 में 5 से भाग करना है। तो 30 कितना बार में कटेगा 5 से, तो 6 बार में कटेगा। तो हम 6 रख लेंगे। अब ऊपर कौन सा अंक है, तो 2 है, तो हम गुणे 2 कर देंगे। अब देखिए बीच में प्लस है, तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो हम 30 में फिर 2 से भाग करेंगे। तो 30 कितना बार में कटेगा, तो 2 से 30 15 बार में कटेगा। 15 बार में जब कटेगा तो ऊपर 3 अंक है, ठीक है, मतलब 3 है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बीच में क्या है, तो प्लस है, हम प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो हम 30 में 2 से भाग करेंगे। तो 30 कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। और ऊपर कौन सा अंक है, तो 1 है, तो हम 1 रख लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए 10 में 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। प्लस बीच में है, तो प्लस दे देंगे। अब देखिए 6 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा, तो 6 दूना का 12 होगा, और बीच में क्या है, तो प्लस है, तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए 15 का पढ़ा फिर 3 बार पढ़ना है, तो 15×3 क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और फिर क्या है बीच में, तो प्लस है, हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 15 का पढ़ा एक बार जब पढ़िएगा, तो 15×1 = 15 होगा। तो अब बाटा में क्या है, तो बटे में 30 है, तो हम बटे में 30 को रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, 50, 12, 45 और 15 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 और 5 को जोड़िएगा, तो 5, 5, 10 हो जाएगा, और 10×2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। जब 12 होगा और 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 ही आएगा। तो 12 का हम 2 लिख देंगे। हासिल कितना बचा, तो 1 बचा, तो हम 1 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे, तो 1×4 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और 5×1 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6×5 कितना होता है, तो 6×5 = 11 होता है। और 11×1 हाथ जोड़ दीजिए, 11 में 1 तो 12 हो जाएगा। तो ये 122 हो जाएगा। और बटे में क्या है, तो 30 है, तो हम 30 बटे में रख लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना आया, तो 122/30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा